उत्तर प्रदेश का बलिया अवैध अंग्रेजी शराब का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। यहाँ पर आए दिन कई राज्यों से लाई गई अंग्रेजी शराब पकड़ी जा रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन के माथे पर अब चिंता की मोटी लकीरें उभरनी शुरू हो गई हैं। ताजा मामला रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के पलानी गांव से है, जहां पर एक सूचना के आधार पर बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां जब्त की गई हैं। यूपी में जब से योगी सरकार आई है, तब से शराब माफियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बलिया पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गांव पलानी में छापा मारने पहुंची, तो वहां पर जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। जहां पर शराब माफिया शराब को किसी जगह भेजने की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही लश्करों को पुलिस के आने की भनक लगी तो वो माल सहित गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप सहित घर में रखे गए चंडीगढ़ निर्मित शराब की लगभग 600 पेटियों को बरामद कर कोतवाली ले आई। वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद अंग्रेजी शराब की बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। कल रात में करीब 12 बजे सूचना मिली कि ग्राम पलानी में एक घनश्या में आगे हुआ घर है, जिसमें काफी मात्रा में हरियाणा में शराब रखी हुई है, और एक पिकअप गाड़ी पे मौके पे लग भी रही थी। सूचना पे मैं फोर्स के मैं पहुंचा मौके पे, तो देखा कि शराब लग रही थी पिकअप पे। पुलिस के पहुंचने से पहले ही जैसे भी सूचना पाते, जो गाड़ी वाला ड्राइवर था वो और घर वाले भग गए थे। करीब 600 पेटी शराब वहाँ से बरामद हुई है, और जो उसमें दोषी होंगे खिलाफ मुकदमा लेकर कार्रवाई की है। अनुमानित लागत करीब 50 लाख रुपए की है, जैसा अधिकारी वालों ने बताया है। जिनके घर पे रखा गया था घनश्याम यादव, जिसके घर में रखी गई थी, वो इसमें मेन है। बाकी लड़के जो जा रही थी वो भी इसमें अभियुक्त बन रहा है। हालांकि इस धड़ पकड़ के दौरान असल तस्कर और उसके सहयोगी तो वहां से फरार हो गए, लेकिन एन नगर पालिका के चुनाव से पहले पुलिस के इस कार्रवाई के चलते शराब माफियों के मंसूबे पर पानी तो जरूर फिर गया है। वहीं टीम अब असली तस्करों तक पहुंचने की रणनीति बनाने में जुट गई है। बलिया से राणा प्रताप सिंह की रिपोर्ट, A1 न्यूज़।